जय भवानी इलेक्ट्रिक वर्क्स मोटर वेडिंग MIDC बुट्टीगोरी इनके मालक श्री सेलार सर शिवसेना के कर्मठ कार्यकर्ता और एक समाज सेवक इस नाते इस परिसर में जाने जाते हैं और इनकी समाज सेवा ये काफ़ी दूर दूर तक चर्चित है और हम चलते जानते हैं इनसे कि क्या किस तरह से ये इस परिसर में अपनी सेवाएं देते हैं समाज सेवा के माध्यम से। सिलर सर, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि आप इस MIDC एरिया में इस परिसर में समाज सेवा और शिवसेना इस अपने जो कार्य जो करते हो शिवसेना के माध्यम से इस परिसर में आप किस तरह से सेवा देते हैं इस जनता में? आप सेवा तो हर समस्या से देते हैं। हम लोग कभी कामगारों को रहेगा या किसी का गरीब का है समस्या है, किसको हेल्प करना है, किसका फोन आ गया, कुछ हो गया, रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो हमारी जो शिवसेना है ये तुरंत से दौड़ के उसका हॉस्पिटल पहुँचा देगी। कोई पुलिस स्टेशन का इसका कोई परमिशन विदाउट परमिशन से हम डायरेक्ट जाके उसका हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं। हॉस्पिटल हमारा मायावती है, माया हॉस्पिटल है, रचना हॉस्पिटल है, MIDC से अंडरटेकिंग है कि हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी पहुँचाते हैं। ये काम शिवसेना करती है, ये 25 से 30 साल से करते आ रही है। इस MIDC एरिया में जन समस्या इस तरह से है, आप बताना चाहोगे कि यहाँ पे जो पानी कुछ कंपनियों का पानी कुछ नालों में जाता है और वो नाले का पानी कुछ बस्तियों में जाता है और वो गंदा पानी पीने में मजबूर होते लोग और उस पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या आप यहाँ पर कोई प्रशासन कुछ अपने मदद करती है, क्या आपको कुछ इसके बारे में कुछ पता है, बताना चाहूँगा सर? हाँ, बताना चाहूँगा। समस्या तो बहुत कुछ है, आपने जो केमिकल के प्लांट है इन्होंने जो नदी से जो नाले जुड़े हैं ये नदी में छोड़ दिए, जानवरों पानी पीते हैं, जानवर मर जाते हैं, किसान ये पानी सब्जी भाजी में यूज़ करता है, उसके इफेक्ट बाजारों के सब्जी भाजी पे पड़ता है, बहुत सी समस्या है। और ये सब प्रॉब्लम क्या है, पैसे कंपनी के क्या है आए भी है, पॉल्यूशन वाले पैसे दे देते हैं, बात हुई कि भाई बंद हो जाती, इसका पॉल्यूशन निकलता ही नहीं है, कंपनी फिर से चालू हो जाती, 2 दिन बंद रखते, हम लोग अपना ऊर्जा लेके जाते हैं, 2 दिन के बाद में पानी बंद होता, तीसरे दिन फिर चालू हो जाता, ये लोग पैसे से खरीद लेते कंपनी वालों को। कुछ कंपनियों में देखा गया है कि नाबालिग बच्चे आज भी काम कर रहे हैं, क्या MIDC जो बुटीपुरी के MIDC के जो रेसिडेंट है और ये जो कार्यकर्ता यहाँ की जो है क्या उसके ऊपर ध्यान है उनका? बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है उनका। यहाँ पे 15 से 16 साल के छोटे बच्चे ही काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं या फिर कई छोटे मोटे काम इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं। 18 साल से ऊपर मैक्सिमम बच्चों को काम पे लगना चाहिए, वो मजदूरी में रहते हैं, उसके घर के परिस्थिति ठीक नहीं रहती, वो बच्चे भेज देते हैं। ये मेरे सामने ही है, होटलों के अंदर में 12-13 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, ये मैं खुद 10-12 साल से देख रहा हूँ। हमें ये देखने में आया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 500 मीटर के अंदर में दारू की दुकान यानी बियर बार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बंद होने के बाद में भी ऐसी समस्या आज भी यानी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे 500 मीटर के अंदर में जो बियर बार थी वहाँ न जाते हुए लोग इस इंदोरामा परिसर में इस हाईवे रोड पर जो एक गैलरी करके जो बियर बार है वहाँ पे आए दिन काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और गाड़ियाँ जमा रहती है और परेशान लोगों को होती है और उस परेशानी की वजह से कि एक्सीडेंट का मामले ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या बताओगे? नहीं, एक्सीडेंट तो काफ़ी बढ़ गए अभी जब से ये नेशनल हाईवे के बंद हो गए, इन लोगों ने क्या किया आगे के दरवाजे बंद कर दिया, पीछे से रास्ता घुमा के वन शॉप चालू करवा दिया। ये वर्धा डबल पेट वर्धा रोड जो है अपना वाला ये गुड़गांव करके है, बिल्कुल आगे का गेट बंद कर दिया, पीछे से दारू चालू कर दिया, कंस्ट्रक्शन वही है, सही रास्ता इन्होंने पीछे से करवा दिया, काम चालू है। सेलर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप शिवसेना के जब कार्यकर्ता है समाज सेवक है तो पब्लिक के माध्यम पब्लिक को किस तरह से आप यानी ये करोगे, किस तरह से मदद कर रहे हो आप? और ये जो दारू जो यहाँ पे जो बिक रही है, जो बियर बार में जो इतनी गर्दी हो रही है, तो आप जन समस्या के लिए आप मोर्चे का कोई प्रबंध किया है? मोर्चे का प्रबंध किया है, लेकिन वो क्या करते हैं कार्यकर्ता खरीद लेते हैं,
आज जैसे आपने टीवी पे मेरे को बुला लिया, कल जो इसके मेन कार्यकर्ते हैं इनके जेब में पैसे डलवा देते, समस्या वही के वही रह जाती। धन्यवाद सिद्धार्थ सर, आपने काफ़ी कुछ हमें इस MIDC के परिसर में जो समस्या है उसके बारे में हमें अवगत करवाया। जय हो इंडिया, आपको धन्यवाद। रिपोर्टर श्री विजेंद्र तुरकर, कैमरामैन सचिन के साथ, जय हो इंडिया, सच की आवाज़।